है जादुई मोर पंख से बीमारी ठीक करने का झांसा देकर लोगों को विश्वास में लेकर ठगी करने के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। 9 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 7 अप्रैल 2023 को निघासन थाने में उत्तराखंड राज्य की रहने वाली एक महिला के द्वारा उनके साथ जादुई मोर पंख का लालच देकर बीमारी ठीक करने को लेकर विश्वास में लेकर धोखाधड़ी करने, मोबाइल फोन व अन्य दस्तावेज छीनने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 3 टीमों का गठन किया गया था। अब पुलिस ने घटना का खुलासा किया है, जहां पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया है कि मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 अवैध तमंचा, 4 चोरी की बाइक, 1 स्कूटी सहित 1 कार को बरामद किया गया है। आपको बता दें कि जनपद खीरी के अंदर ये सूचना मिल रही थी कि भोली वाली जनता को कुछ लोग एक गैंग जादू मोरपंख का लालच दिखा करके धोखाधड़ी करता है और उनके पैसे लूटने का ये गैंग कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के निर्देशन में KTO गठन किया गया, जिसमें सर्वलांस स्वाड और इंस्पेक्टर निघासन उस टीम में थी। तो 7 तारीख को एक उत्तराखंड की रहने वाली महिला ने सूचना दिया कि एक गैंग है, कुछ लोग हैं गैंग में जिन्होंने उससे लालच दे करके पैसे लूट लिए, मोबाइल छीन लिया है। ये सूचना तत्काल जैसे निघासन रवाना हुए और उन्होंने मौके पर जा करके कुछ लोगों को हिरन करके उनसे जानकारी गई, तो उन्होंने अपना नाम एनुल, रोहित, जाहिद, नीरज, शफीक, मोहम्मद इसरार, आसिफ, सलमान, मुझे 9 लोग मौजूद थे, उनको हिरासत में लिया गया। जब उनको जानकारी की गई तो उन्होंने इस घटना को स्वीकार किया और उनके पास से काफ़ी सामान बरामद हुआ। 30 मोबाइल हैं, 4000 रुपये नकद हैं, अन्य अन्य सामान जो जादू दिखा करके लोगों को लालच दे करके पैसा दूना करना, बीमारी ठीक करना, जादू मुँह पंख दिखाना, ये मतलब ये सब सामान उनके पास से बरामद हुआ। इसमें इस गैंग में 20-25 लोग हैं, जिसमें 9 लोग गिरफ्तार हैं और 10 लोग अभी वांछित हैं। उनके गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दिया गया है, बहुत जल्दी की जाएगी। इनका आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है, उसका आपराधिक मिल गया है, अच्छा आपराधिक इतिहास है इनका, गैंगस्टर लूट आदि के मुकदमे हैं और इन्होंने अन्य जगह भी घटनाएं की हैं, जनपद के अंदर, सर्दी जनपदों में, अन्य प्रदेशों में इनके द्वारा क्या क्या घटना की गई है, इसकी जानकारी की जा रही है। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।